नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़ी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। संभल में महिला की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। बरेली में इलेक्ट्रॉनिक बस में हुआ तेज धमाका, एक कर्मचारी की मौत, दो की हालत गंभीर। विद्यालय के निर्माण में लाखों रुपए का घोटाला, घटिया सामग्री से किया जा रहा है स्कूलों का निर्माण। और सवाल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में करंट लगने से तीन गायों की हुई मौत, लोगों में दिखा रहे थे विभाग के खिलाफ भारी। जमीन के मुआवजे में हुआ घोटाला, पुलिस ने घोटाले का किया पर्दाफाश। अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश से हुआ खेती को नुकसान, खेती में हो रहे नुकसान ने किसानों की बढ़ाई है चिंता। मंडल रेल प्रबंधक ने जोधपुर पहुंची जालौर रेलवे स्टेशन, जालौर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति ने रखी कई मांगे। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस स्टैंड न होने से आ रही है समस्याएं, सड़कों पर बस खड़ी करने को चालक मजबूर। चित्रकूट में जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण, निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने दिए जरूरी निर्देश। वहीं नजर डालेंगे खास खबरों पर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर एक खेत के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बोरे के पैकेट में बंद पड़ा मिला, जिसको ग्रामीणों ने देख लिया। देखते देखते गांव के सैकड़ों ग्रामीण जमा होने लगे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी और अज्ञात व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 22/9/2022 को समय दोपहर लगभग 12 बजे कोतवाली कैमगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जौरा में प्रेम नारायण दीक्षित के खेत के बगल सड़क के किनारे एक बोरे में शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कैमगंज व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैमगंज मौके पर पहुंचे। शव को देखकर यह पाया गया कि यह किसी अज्ञात पुरुष का शव है। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वही खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में एक इलेक्ट्रॉनिक बस में तेज धमाका हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि मिनी बाईपास के पास एक इलेक्ट्रॉनिक बस में चार्जिंग पॉइंट की एसी मरम्मत के दौरान कंप्रेसर में तेज धमाका हो गया और सूचना मिलते ही सभी आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद नगर निगम बरेली की टीम घटना की पड़ताल में जुट गई। इसके बारे में भी जो जानकारी मिल रही है वो चार्जिंग स्टेशन पर कंप्रेसर में कोई ब्लास्ट या कोई गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और एक व्यक्ति के दो लोग घायल बताए गए हैं और एक व्यक्ति को मृत बताया गया है। अभी इसकी हम लोग जाँच करा रहे हैं और देखते हैं कि क्या कारण था, कोई टेक्निकल रीजन ही रहा होगा इसके पीछे, और नगर निगम के लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है सर। उसके बारे में भी जो वही खबर एटा से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से होने वाली राष्ट्रीय किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। तो वहीं नगला सुखदेव स्थित मंदिर देवलोक धाम से पत्रकार वार्ता की गई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने 21 सितंबर को प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से मलिया कार्यालय से महापंचायत में पहुंचने की भी अपील की है। चाहिए आपके अभी जो नई मंसारी जी हैं, ये कौन है आपके? मेरे पिताजी हैं। ये सम्मानित किए हैं योगी जी ने और प्रतिमा उगेरिया इन्होंने, तो इस पर क्या कहना होगा आपका? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे पिताजी को योगी जी ने सम्मानित किया और मैं आज बहुत खुश हूँ। आपकी मम्मी भी हैं, वो भी उन्होंने भी नवाजा है, क्या क्या कहूँगी मम्मी के लिए? उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला है। हमारे बराबर में पड़ोस में लड़की रहती थी, उनसे सीखे थे आसिया वानों से, ये मेरे पर ही हम जाके सीखे। फिर इसका काम एक नहीं है, खाका का नाम है, आता है एक पेपर जैसा सफ़ेद वाइट, उस पर जो सुई से गोदा जाता है, जो डिज़ाइन बनाना हो उस पर डिज़ाइन बना देते हैं,
फिर इस पर फिर इसे टाँकते हैं, फिर छापते हैं, फिर उसको बनाते हैं। सबसे पहले सर, प्रथम माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और प्रदेश के मंत्री राकेश सचान जी, जिन्होंने मुझे विश्वकर्मा दिवस पर राज्य हस्त पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया, और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी इसमें विभाग के जुड़े सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मुस्लिम समुदाय से होने के बाद और एक मतलब छोटा शिल्पकार से होकर बड़ा शिल्पकार के रूप में मैं उखड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के मुझे मुस्लिम समुदाय से शिल्पकार को अपने कर कमलों से विश्वकर्मा दिवस पर मुझे जनपद में वही खबर बांदा से है, जहां पर प्राइमरी और परिषदीय विद्यालयों के निर्माण में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। बता दें कि घटिया निर्माण सामग्री से विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं पहली बरसात में ही नवनिर्मित विद्यालयों की छत से पानी टपक रहा है। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की कमीशन घोरी के चक्कर में घटिया सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरा मामला जनपद में बन रहे प्राइमरी परिषदीय विद्यालय का है। जनपद में जर्जर भवनों की जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग 2020-21 में 83 भवन स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 13 पे कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, और लगभग 39 विद्यालय ऐसे हैं जो निर्माणाधीन हैं। तो जैसे ही वो पूर्ण हो जाएंगे तो ये हमारी संख्या जो है जर्जर भवनों की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मैडम, ये जो विद्यालयों का निर्माण हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, कौन कर रहा है? विद्यालयों के जो निर्माण है उसका पैसा हमें परियोजना की तरफ से आता है, जो कि SMC के खाते में आता है, तो SMC इसको पूरा कोऑर्डिनेट करती है। कई विद्यालयों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, विद्यालयों का निर्माण हो चुका है और अभी पहली बारिश नहीं मिलती और विद्यालयों की छतें टपक रही हैं, इन पर क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई आपकी तरफ? अभी तो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है, जैसे ही संज्ञान में आता है तो जाके मौके पर जांच कराई जाएगी और दोष निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो बन रहा हो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा हो, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। जहाँ तक जर्जर विद्यालय की है, अगर जर्जर हो गया तो उसको निष्प्रयोज घोषित करके नीलाम करा के नया विद्यालय बनवाया जाएगा। ऐसे विद्यालय हैं, जैसे कई विद्यालय उस तरीके के हैं कि अभी बने उनको जो 4 महीने का समय भी नहीं हुआ, उनमें दरारें हैं। नहीं, इस विद्यालयों की सूची मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ये 4 विद्यालयों का आप नाम बता दीजिए, कौन कौन विद्यालय हैं, किस ब्लॉक के हैं, तो मैं जरूर उसकी टीम गठित करके उसकी गुणवत्ता की जांच करा दूंगा और जो दोषी होंगे कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है। शासन की जो नई नई खबर रीवा से है, जहां पर बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों में निर्धारित नियमों की अनदेखी की जा रही है। कहीं ओवरलोडिंग हो रही है तो कहीं सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ती है और दरअसल स्कूली बच्चों के साथ दरिंदगी सहित अन्य घटनाएं सामने आने के बाद से ही शासन स्तर पर कड़ी गाइडलाइंस भी जारी की गई है और इसका सभी वाहन चालकों को सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई, लेकिन स्कूल संचालक मनमानी छोड़ने को तैयार नहीं है और स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं। एक स्कूल वैन में 16 सीट में 32 बच्चे बैठाए गए थे, जो खुद स्कूल संचालकों की मनमानी का खुलासा कर रही है। शासन की जो नई गाइडलाइनें आई हैं, सभी में CCTV वगैरह होना चाहिए, ड्राइवर वर्दी में हो, पैनिक बटन हो, ओवरलोड ना चले, सीट बेल्ट लगा कर चलें और बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दें, इसके चलते सभी स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। पहली बार में उन्हें समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है, नेक्स्ट इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी बसें चेक कर ली? लगभग अभी तक 15 बसें चेक की जा चुकी हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। कुछ कमियां सामने आई हैं बसों में? बिल्कुल, किसी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, किसी में आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, किसी को चलाना नहीं आ रहा है, कोई सीट बेल्ट लगा के नहीं चल रहा है, किसी में कैमरे नहीं है, तो ये सारी वरिष्ठ अधिकारियों ने के निर्देशन में ये सारी कमियां पूरी कराई जा रही हैं। कुछ ओवरलोड भी मिला है क्या? एक बस ओवरलोड जिसमें क्षमता से अधिक बच्चे थे उनको उतार कर दूसरी बस में रवाना किया गया है तथा उन्हें समझाई दी गई कि दोबारा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक किसान और उसके साथियों की किस्मत चमक उठी। दरअसल ब्रजपुर के रहने वाले किसान राजेंद्र गुप्ता ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर हीरे की खदान लगाई थी और इस खदान में उन्हें 3.21 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब आपको बता दें कि 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वह इस हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी नीलामी की जाएगी। किसानलाल की ढेरी में हीरा मिला मेरे खेत में, और कम से करीब 2 महीना से काम हमारा चालू था, तो
अब हमको हीरा मिला 3 कैरेट 21 सेंट। पैसा मिलेगा, कितनी खुशी है, क्या करेंगे पैसे का? पैसे का सर हमारी कन्याएं हैं, उनकी शादी करेंगे और खेती किसानी में उपयोग करेंगे सर। हीरा जो प्राप्त हुआ है जिसका वजन 3 कैरेट 21 सेंट है और ये राजेंद्र कुमार गुप्ता जी को प्राप्त हुआ है, ग्राम से एवरेज। जब भी लोग पट्टा बनवाते हैं लगभग कितनी लागत में पट्टा बनता है? 200 रुपये में 8x8 मीटर का पट्टा प्राप्त होता है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मिलता है। लगभग कितनी कीमत है? कीमत नीलाम के दौरान तय की जाएगी, एवरेज 8-10 लाख रुपये कीमत है, नीलामी में रखा जाएगा। वही खबर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से है, जहां पर नाला रोड पर स्थित एक दुकान में लूट की घटना का मामला सामने आया है, जहां पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने दुकानदार को बंधक बनाकर 2000 रुपए और एक कैमरा लेकर वो फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरे साथ में एक कैमरा चला गया, 3 बंदे आए थे बाइक पे, रात को लूटपाट करके ले गए हैं, कैमरे लेके गए हैं और पैसे लेके गए हैं और मेरी कंपनी पे कट्टा रखा। अच्छा, कितने लोग आए थे दुकान में? दुकान में 2 लोग आए थे। अच्छा, और कोई बाहर भी था, कोई इसके साथ ही? हाँ, एक बाइक पे था। अच्छा, कितने रुपए हैं? 2000 रुपए लमसम। 2000 रुपए? अच्छा, अंदर 2 ही लोग आए थे। हाँ जी। तो आपको हाथ पैर ही बांधे क्या? हाँ, हाथ पैर बांधे हैं और दुपट्टा उससे बांधे हैं। अच्छा, उससे बांधे थे। फिर कैसे छुड़वाया आपने? वो तो मुझे बांध के चले गए, फिर तो मैंने अपना भी कोशिश करी। अच्छा, वो तो मुझे कोने में बांध के चले गए। तो तमंचा लगाया था कनपटी? हाँ, प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीबारी पुलिस चौकी के समीप भारत नगर स्थित भारत पेट्रोलियम में पेट्रोल भरते समय कार में आग लग गई और वहीं इस हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए, कार पूरी तरीके से खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। वही खबर मथुरा से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर लगे विद्युत बॉक्स से अचानक करंट दौड़ गया, जिसके चलते रास्ते से गुजर रहे 3 गाय करंट की चपेट में आ गई और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने गायों के शव को रास्ते से हटाने के प्रयास किए, लेकिन बारिश के चलते कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी और गौ रक्षकों की टीम ने पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग के खिलाफ भारी रोष भी व्यक्त किया है। थोड़ी देर पहले तो मैं और मेरे बच्चे दवाई लेके आ रहे थे, हो सकता है गैया नहीं अभी हम ही चिपक जाते, फिर क्या होता? क्या करती सरकार और क्या करती है बत्ती वाले? बत्ती का बिल है, बत्ती काट जा रहे हैं चुपचाप, घर वालों से पूछ नहीं रहे, बाहर से बत्ती काट के जा रहे हैं। अब दो, एक गैया 2 बछड़े करंट लगने से, देखिए तार सारे नंगे पड़े हुए हैं, बिजली विभाग की लापरवाही इतनी है, पहले 2 गैया मर चुकी है यहाँ पे, समझे डेली आए दिन घटना घटती है यहाँ पे, करंट रोड के सामने सारे नंगे पड़े हुए, अंडरग्राउंड लाइन है, दो कोने पे बॉक्स लगा रखा है, यहाँ पे वाहन डेली टकराते हैं, जगह इतनी है नहीं, डेली वाहन टकराते हैं, आए दिन घटना दुर्घटना घटती रहती है बिजली विभाग की वजह से। और यहाँ पे भी आगे भी लाइन भ्रष्ट है, समझे रोड पे क्या डेली है क्या, यहाँ पे आग लगती है रोड पे, अंडरग्राउंड लाइन है, सब शॉर्ट है लाइन, बिजली विभाग की सबकी लापरवाही, बिजली विभाग की लापरवाही है, बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है कि देखिए कोने पे बॉक्स बना रखा है, इसको देखिए आप, कैमरा बना दो, तार देखो नंगे पड़े हुए हैं बिजली के, अब लाइट आएगी तो क्या होगा, इन बॉक्सों में भी करंट आ रहा है। तो आप अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये लाइट है कि अंडरग्राउंड है, ऐसी की जाए कि जिससे कि किसी को करंट ना लगे, बारिश के टाइम में नेग भी लाइट चालू कर दो तो तुरंत करंट आएगा। वही खबर चित्रकूट से, जहां पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने रामायण दर्शन कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने वीआईपी गेस्ट हाउस कार्यालय कैंटीन आदि का भी निरीक्षण किया और साथ ही जिलाधिकारी ने होलोग्राफी हॉल उसमें चलाए जा रहे भगवान रामचंद्र के चलचित्रों पर बनी डॉक्यूमेंट्री शो को भी देखा है। इनका प्रोजेक्ट देखिए शासन का एक प्राथमिकता प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी कारणों से ये सब चालू नहीं हो पाया था, तो उसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इसको हम लोग 27 तारीख से इसके शो का शुभारंभ। वहीं खबर अलीगढ़ से, जहां पर 3 दिन से हो रही घमासान बारिश से धान की खेती में बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अतरौली क्षेत्र के गांव जादोपुर और बैमवीरपुर के किसानों ने हमारे चैनल के संवाददाता से बात कर कहा कि बारिश से धान की खेती में बड़ा नुकसान हुआ है। ओम प्रकाश आर्य है, गांव कौन सा? जादवपुर। तहसील अतरौली। ये 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है?
बाजरा की फसल है उसमें जो 70-80% नुकसान है। और धानों की जो धान में तो बिछे पड़े हैं सब, 80% हो गया। तो इससे कितना नुकसान तकरीबन हो रहा है किसानों को, या फायदा हुआ है नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? 35% नुकसान, 35% नुकसान हुआ है। हाँ जी, तो ये बारिश हो रही है इससे काफी लोगों को नुकसान हुआ है, कुछ फायदा भी हो रहा है क्या इससे? इससे फायदा कोई नहीं हो रहा, नुकसान ही है। पक्की फसल है, धान की जो गिर गई है खड़ी है। आगे के सरकार से क्या मांग रखते हो, क्या सरकार क्या कच्ची फसल है जो क्या चाहत रखते हो, सरकार इसमें कुछ मुआवजा वगैरह लागू करे क्या? हाँ, सरकार यहाँ पे मुआवजा लागू करे तो आर्थिक परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Intel. Macro lubricant ready to dry. Welcome to the capital city of Uttar Pradesh, Lucknow. दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शाने अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान रखता है और जाना जाता है अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिए। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जो जगह सबसे ज्यादा रहने लायक सुकून देती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी, वो जगह है लखनऊ की, जहां हर कोई ख्वाहिश रखता है एक छोटा सा आशियां बसाने की। आपकी इसी ख्वाहिश और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हुए विकास विहार डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं लखनऊ का सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट।